हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही शानदार जानकारी निकल के आ रही है जो आप सभी को एक तैयारी करने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हॉस्टल वार्डन भर्ती पर ये जो है जानकारी निकल ली है और बहुत ही शानदार जानकारी निकली। इसके अतिरिक्त तो और भी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा, आपको सबसे महत्वपूर्ण आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के संबंध में बताना चाहूँगा कि इसमें इस विभाग में हॉस्टल वार्डन के अतिरिक्त भी अन्य पदों पर जो है भर्ती की लिए जो बात है, वो जो चर्चाएं हैं, जो कागजाती कार्यवाही है, वो चल रही है। इसमें अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन के साथ साथ मंडल संयोजक और सब इंजीनियर सिविल के भी पोस्ट जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में था, लेकिन फिलहाल अभी प्रोसेसिंग में है और अटका हुआ है अभी वो। तो निश्चित रूप से देखिए, आप लोग मंडल संयोजक के लिए भी रेडी रहिएगा, जो कि 2018 में जिसकी परीक्षा हुई थी मंडल संयोजक की। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अन्य भर्ती विज्ञापन भी आपको जो सीजी व्यापम में आपको देखने को मिलेंगे। आचार संहिता के बाद आपको पुरानी भर्तियों के अतिरिक्त नई भर्तियों के लिए ताबड़तोड़ भर्तियां का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। और आपको पढ़ना वही है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और रीजनिंग। इसके अतिरिक्त आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आपका करंट अफेयर रहता है वो आपको पढ़ना है। तो करीबन करीबन ये एक मेन रहेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जैसे कि हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया गया, तो कुछ कुछ ऐसे 10-20 नंबर के आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिशन को थोड़े से टफ करेंगे। और जाहिर सी बात है, टफ होने भी चाहिए, अन्यथा अभी सभी पढ़ रहे हैं। और ये जो समय है, आप लोगों को फिर से कहूंगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापम अपने पुराने परफॉर्मेंस में आ जाएगा और मात्र आपको 30 दिन से 35 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा और आपकी भर्ती परीक्षा ले ली जाएगी। चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात करूं या आपके जो हॉस्टल वार्डन की बात करूं या अन्य भर्तियों के संबंध में, तो आपको बिल्कुल भी जो है डेट नहीं मिलेगा आगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं। और क्योंकि ये सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों का बहुत तादाद में अभाव है। मैं आपको फिर से कहा था कि 2026 तक बहुत सारे विभागों का जो पद है वो खाली हो जाएगा, बहुत सारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, विद्युत विभाग हो, ऐसे अन्य विभाग, सभी विभागों में पद जो है वो खाली हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, हम हॉस्टल वार्डन पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने कर आपके समक्ष आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक भाई के द्वारा RTI लगाया गया था और RTI के माध्यम से जो जानकारी निकल के आई है, मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि जो कितने तादाद में हॉस्टल वार्डन की आवश्यकता है और कितने पैमाने पे भर्ती की जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रकरण के संबंध में विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सेवा के हॉस्टल छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के कुल 1510 पद जो है स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के अनुसार 721 पद भरे हुए हैं एवं 789 पद अभी रिक्त है। कब की स्थिति में? 1/4/2023 की स्थिति में, ठीक है। दिनांक 6/9/2023 द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 300 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 5/10/2023 को व्यापम को जो है ये भर्ती प्रेषित किया गया है और जिसकी कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बताई गई, ठीक। आगे सुनिए, अब विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द से अधीक्षक श्रेणी स के लिए पदोन्नति होने से लगभग 675 पद रिक्त होने की संभावना है। मतलब प्रमोशन होगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स से। मतलब ये एक रूटीन प्रक्रिया है, हर साल होता है, ठीक है। हर साल जैसे इनका नियम कायदा है कि जहां तक 5 साल या 7 साल कंप्लीट होने पर अधीक्षक श्रेणी द से अधीक्षक श्रेणी स, अधीक्षक श्रेणी स से अधीक्षक श्रेणी ब, ब से अ, ऐसा प्रमोशन होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पदोन्नति होने से 675 पद रिक्त हो जाएंगे और अभी वर्तमान में 789 पद जो है वो रिक्त है। अब देखिए, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त 600 पदों पर भर्ती हेतु विभाग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है और यहाँ पे संलग्न चीजें दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 600 जब प्रमोशन होगा तो
तो 600 पद रिक्त हो जाएगा और वर्तमान में 700 पद तो रिक्त ही है, तो मोटा मोटा अगर समझे तो 1200-1300 पद क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा रिक्त हो जाएंगे। वर्तमान में कार्यरत कितने हैं, मात्र 721 लोग कार्यरत है। अब 300 पे क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो मान के चलिए टोटल कितना हुआ, 1000। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो रहा है, कार्यवाही कार्यवाही ये किया जा रहा है कि ये जो लेटर है 5/2/2024 का लेटर है, ठीक है, मतलब 5 फरवरी 2024 का लेटर है, जो कि किसको दिया गया है, सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग को दिया गया है। क्या दिया गया मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित किया जाता है कि 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की सहमति प्रदान की गई है। छात्रावास अधीक्षकों के 300 पदों को व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के भरे जाने हेतु प्रस्ताव नियंत्रक मतलब व्यापम को दिया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सेवा संवर्ग भर्ती नियम 2011 के अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वर्तमान में 900 पद रिक्त है। ये अभी की स्थिति में बता रहे हैं कि कितने पद रिक्त है, 900 पद रिक्त है, जिसमें से 300 पदों का क्या हुआ है, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की सहमति दी गई है। शेष पदों के जो है सीधी भर्ती के बोल सकते हैं भर्ती जाने के लिए संपादित किया जा रहा है। विभागीय आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान में 600 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किया जाना प्रस्तावित है। अतः छात्र अधीक्षक श्रेणी द के उपरोक्त अनुसार 600 रिक्त पदों की भर्ती हेतु निम्नानुसार वित्तीय भार की संभावना है। यहाँ पे बताया गया है कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 25,300 धन 10,626, मतलब एक छात्र अधीक्षक को 35,926 रुपये के मान से 600 के हिसाब से कुछ करोड़ रुपए आए, लगभग 25,86,67,200 रुपए यहाँ पे आए हैं आकलन, और 600 पदों की अनुमति के लिए जो सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे, इस प्रकार से जो लेटर है वो गया है वित्त विभाग को। मतलब अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ जहाँ पे आपको 300 पदों पर भर्ती मिल रही है, तो वहां पे दूसरे तरफ आपकी एक और भर्ती छात्रावास अधीक्षक रेडी हो रही है, तो ये कितनी अच्छी बात है, कितना ज्यादा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है आगे मिलने वाली है। तो सोच सकते हैं आप कि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करते रहिए, जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि एक पद आपको प्राप्त करना है। और देखिएगा 600 पद फिर से आएंगे, ये आप देख सकते हैं इस लेटर में, जो कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति का लेटर है। अब यहाँ पे वित्त विभाग या तो 600 पदों पर अनुमति दे देगा, या 500 पदों पर दे सकता है, या वापस से 300 पदों पर दे सकता है। जरूरी नहीं कि 600 गया है तो 600 पर मिले, बट हाँ विभाग चाहता है कि 600 में हो, लेकिन अब ये वित्तीय स्थिति को देखते हुए हो सकता है 200-300, क्योंकि अभी 300 हो रहा है। जैसे आपने देखा था महिला पर्यवेक्षक का 2 बार भर्ती हुआ, आप देख रहे होंगे पिछले बार 400 हुआ, इस बार फिर हुआ, वैसा ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। छात्रावास अधीक्षक अभी निकला है, इसका पेपर अभी जुलाई अगस्त में हो जाएगा, हो सकता है नया जो छात्रावास अधीक्षक है जो 600 में गया हुआ है वो हो सकता है जनवरी फरवरी में फिर आ जाए अगले साल। तो आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करते रहना है, छोड़ना नहीं है। बताने का मकसद यह है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, जिससे फायदा आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। और जो लोग बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, उनको बोलना ठीक है भाई आप मत पढ़िए, हमको पढ़ने दीजिए, सीधी सी बात है, क्योंकि नौकरी आपकी लगेगी, दूसरे पैर तो खींचेंगे ही खींचेंगे। पढ़ते रहिए, भविष्य आपका बनेगा, किसी और का नहीं बनेगा, यही आप लोगों से आशा है। फिलहाल यही खबर देना था, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।